हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के एपिसोड में हम लोग डेफिनेटली अपकमिंग फेस्टिव सीजन के लिए ही साड़ियाँ दिखाने वाले हैं, बट हम लोग हमारे चैनल में पहली बार एक ऐसा एपिसोड दिखा रहे हैं जिसमें हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे ऑन मूगा तसर साड़ीज। मूगा के ऊपर हम लोगों ने एक प्रॉपर एपिसोड कभी भी नहीं दिखाया था। हमने तसर बनारसी बहुत दिखाए थे, आज के एपिसोड में भी आप लोगों को ट्रेडिशनल तसर बनारसी देखने को मिलेगा, साथ ही साथ कुछ फ्यूजन स्टूडियो के तसर बनारसी भी देखने को मिलेगा। लेकिन मूगा सिल्क या मूगा तसर हम जिसे समझते हैं उसके ऊपर आप लोग बहुत दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे, इसकी वजह से इस बेस मटेरियल के ऊपर बेस करके हम कुछ डिफरेंट डिफरेंट साड़ियाँ दिखाने वाले हैं। एंड फेस्टिव सीजन एज इन मेरे और शिंजन के लिए दुर्गा पूजा इज कमिंग, विच मीन्स इट्स अ बिग डील। एंड दुर्गा पूजा के लिए कुछ ट्रेडिशनल साड़ियाँ आप लोगों को दिखाएंगे, एंड पहला साड़ी एक ट्रेडिशनल कलर कॉम्बिनेशन भी दिखाएंगे। दिस इज द फर्स्ट कलर कॉम्बिनेशन ऑफ टूडेज एपिसोड, आप लोग देख सकते हैं। दिस इज अ कॉम्बिनेशन, अ ब्यूटिफुल पीस एंड ऑल्सो वेरी ट्रेडिशनल लुकिंग पीस। इसमें जो बेस फैब्रिक है ना वो एक अनडाइड नेचुरल मूगा सिल्क का जो कलर होता है वही है, एंड उसके साथ हमने एक डार्क रेड कलर रखा है जो पाउडर सिंदूर कलर होता है, समवट लाइक दैट। यस, यू कैन सी दिस ब्यूटीफुल डिजाइंस। पूरा एंटिक जरी से इस साड़ी में वर्क किया गया है, वीविंग एंटिक जरी से पूरा वीविंग वर्क किया गया है। यू कैन सी दिस इज द रिवर साइड, कंप्लीटली हैंड वोवन, एक्सेलेंट मीनाकारी बूटा वर्क यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी देखिए, यू कैन सी दिस इज द फैब्रिक टेक्सचर, बॉर्डर का भी पैटर्न देखिए, बहुत खूबसूरत है, ऑल ओवर देख लेंगे। ये सब साड़ियाँ पहनने में बहुत क्लासी लगता है, एंड वेरी क्लासी, वेरी कंफर्टेबल एज वेल, बिकॉज़ ये जो मूगा फैब्रिक है इसका वेट ज्यादा नहीं होता है, सो फैब्रिक इटसेल्फ इज वेरी लाइट वेट। एंड अगर आप लोग तसर लवर्स हैं तो आप लोगों ने जरूर रियलाइज किया होगा कि समर्स में मूगा इज मच मोर लाइक ब्रीदेबल। एब्सोल्युटली, एंड मूगा इज वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ सिल्क्स एंड परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव वैरायटी ऑफ सिल्क, दैट इज मूंगा। एंड उस हमने एक धागा मूंगा का इस्तेमाल किया है, एक धागा टसर का, यहाँ पे देखने से आपको पता चलेगा। दिस इज द बॉर्डर फॉर योर स्लीव्स, हमने रेड कलर का ब्लाउज पीस रखा है। साड़ी नंबर 1 का दिस इज कलर ऑप्शन बी, ये जो कलर कॉम्बिनेशन है वो मेरे साड़ी जैसा ही सेम कलर कॉम्बिनेशन है, बट डिजाइन ऑब्वियसली जो साड़ी नंबर 1 है वही सेम डिजाइन है। तो जो लोग रेड ब्लैक ये सारे कलर्स को अवॉइड करना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये वाला कलर परफेक्ट है, एंड कितना अच्छा भी लग रहा है देखने में येलो के साथ अंडर नेचुरल मूगा कलर। Yes, you can see this beautiful finish and texture of the fabric. यहाँ पे देखिए पल्लू में पूरा मीनाकारी वर्क दिए गए हैं हर एक बूटा में, एंड बेस बॉडी में भी आप देख सकते हैं हर एक बूटा में आपको मीनाकारी का वर्क मिलेगा। क्लोजअप देखेंगे तो बॉर्डर में भी देखिए बहुत सारा डिटेलिंग है, ऑल ओवर देख लेंगे। पूरे साड़ी में आपको सेम डेंसिटी में मिलेगा, ऐसा नहीं है कि एंड की तरफ लाइट हो रहा है, बूटा एकदम सेम डेंसिटी का है, हैवी डेंसिटी में बूटा। यस, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल कलर कॉम्बिनेशन। इस साड़ी के साथ आपको एक ब्रोकेड ब्लाउज पीस मिलेगा, अ वेरी नाइस ब्रोकेड ब्लाउज पीस दिया गया है ये वाला साड़ी के साथ। दिस इज कलर ऑप्शन सी, 1C में हमने आप लोग देख सकते हैं कॉन्ट्रास्ट में पर्पल कलर को रखा है, ये भी बहुत डिफरेंट एंड ब्यूटीफुल लग रहा है, वेरी नाइस। एंड इसके ऊपर देखिए ये जो एंटिक जरी का काम है ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। यस, क्लोज अप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, वेरी नाइस फिनिशिंग, ब्यूटीफुल मूंगा टसर का वर्क ऑल ओवर साड़ी में देख लेंगे हम। एंड वर्क भी कितना ब्यूटीफुल एंड नीट फिनिशिंग का कि एक बात है, साड़ी बहुत कंफर्टेबल है, मूंगा फैब्रिक ही बहुत सॉफ्ट होता है, एब्सोल्युटली बहुत अच्छा ड्रेप आता है साड़ी का, फॉर्म बहुत अच्छा आता है,
ये तो तसर फैब्रिक का एक खासियत है. दिस इज द ब्लाउज पीस, दिस इज द ब्रॉड बॉर्डर व्हिच वी पुट ऑन द स्लीव्स. चलिए एक और डिजाइन आप लोगों को दिखाते हैं. इस डिजाइन की भी मैं आपको दो कलर ऑप्शंस दिखाने वाली हूँ. दोनों ही कलर ऑप्शंस एकदम न्यूड बेस कलर में जा रहा है एंड दोनों ही कलर्स में कोई कॉन्ट्रास्ट कलर का इस्तेमाल नहीं है. बस ये एक ही बेस कलर के ऊपर आपको ये वर्क देखने को मिलेगा. दोनों साड़ियों में आपको एंटीक सारी का वर्क ब्यूटीफुल एंटीक सारी का वर्क, वेरी एलिगेंट लुकिंग कलर, वेरी एलिगेंट लुकिंग पीस. क्लोज अप देखेंगे यहाँ पर भी आप देखिए, दिस इज द रिवर्स साइड. एक्सेलेंट. बॉडी में आपको ये लोटस पैटर्न का बूटा मिलेगा विद डिफरेंट रेशम थ्रेड मिलने वाली. एब्सोल्युटली वेरी नाइस डिजाइन एंड सच अ सब्लाइम शेड ऑफ यू नो कलर. होपफुली आप लोग को पसंद आ रहा है. डेवलप्ड इन अ फ्यूजन स्टूडियो एंड वेरी वेरी एक्सक्लूसिव कलर. ये वाला साड़ी बहुत एलिगेंट लग रहा है एंड आप पहन के कोई भी इनविटेशन हो आप अटेंड कर सकते हैं. दिस साड़ी इज फॉर एनी ओकेशन, एनी एज ग्रुप, एनी हाइट, एनी बॉडी टाइप, एनी कॉम्प्लेक्शन, बिकॉज़ इसका कलर, इसका डिजाइन बिल्कुल एक यू नो एलिगेंस फैक्टर ऐड करता है. एब्सोल्युटली. दिस इज द ब्लाउज पीस जो पूरा ब्रोकेड वीविंग में जा रहा है. ब्लाउज पीस का भी रिवर्स साइड देखिए एकदम नीट है तो बनने के बाद आपको कहीं छुपेगा नहीं. एब्सोल्युटली. यहां पर क्लोज अप दिखाएंगे, यू कैन सी पूरा ही वीविंग में आपको ब्लाउज पीस मिल जाता है ब्रोकेड का. दिस इज कलर ऑप्शन कलर ऑप्शन बी भी आप लोग देख सकते हैं. एक न्यूड एंड अनियन पीक कलर दोनों को कंबाइन करके ये वाला कलर बनता है बट न्यूड बेस नहीं है. वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, ब्यूटीफुल कलर. देखिए All the colors which we have used are all pastel shades. यहाँ पर देखिए border का weaving precision देखिए, कितना ठोस weaving है. fabric का texture देखिए, बहुत soft है. you see, very very soft, बहुत soft है and easily drapable है. fall बहुत अच्छा आएगा. maintain करने के लिए भी आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. it's very easy to maintain all over देखने के. And again, for this saree also, it is applicable कि आप किसी भी age के हो, आपको ये saree पहन के अच्छा लगेगा. Absolutely. That's very important. This is the brocade blouse piece. This next piece comes in this beautiful charcoal grey color. थोड़ा dark color में जा रहा है and इस saree में भी antique saree का. ब्यूटिफुल शेड. क्लोज अप देखेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं मीनाकारी वर्क. रिवर साइड देखेंगे पूरा ठोस वीविंग है. हैंड वीविंग का साड़ी है मुंगा टसर में. बहुत ही प्यारा देखने में है एंड क्लासी लुक का आता है. थ्री डिफरेंट कलर्स का आपको देखिए मीनाकारी वर्क देखने को मिल रहा है ऑल ओवर. एब्सोल्युटली बहुत प्यारा पीस है एंड बहुत ही सॉफ्ट फिनिश का आता है बिकॉज जनरली टसर अगर होता, प्योर टसर होता तो थोड़ा सा स्टिफनेस रहता है बिकॉज इट इज़ द नेचर ऑफ टसर फैब्रिक. बट क्योंकि ये मूंगा टसर है, मूंगा फैब्रिक बेसिकली इज़ अ सॉफ्ट फैब्रिक, तो मूंगा जब हम टसर के साथ मिक्स करते हैं तो थोड़ा सा फैब्रिक भी सॉफ्ट हो जाता है एंड ईजिली ड्रेप हो जाता है, लाइट वेट हो जाता है एंड ऐसे क्लासी हो जाते हैं. दिस इज द ब्लाउज पीस. अब टाइम है दिखाने का आप लोगों को कुछ फ्यूजन स्टूडियो तसर बनारसी साड़ीज. इस साड़ी में आपको डिजिटल प्रिंट भी मिलेगा एंड एंटीक जरी से बनारसी वीविंग देखने को मिलेगा. ये सब साड़ियां भी एकदम आप लोग देख सकते हैं सॉफ्ट फिनिश में, इतना सॉफ्ट फिनिश एंड लाइट वेट एंड कंफर्टेबल तसर साड़ी. चलिए आप लोगों को इस डिजाइन के मैं आपको दो कलर दिखाने वाली हूँ. सबसे पहले एक ग्रीन वाला दिखा. This is a very premium quality tassar and very lightweight, sir. Absolutely. Very lightweight piece
यहाँ पर देखिए एकदम कलमपारी इंस्पायर्ड डिजिटल प्रिंट आपको मिल रहा है पूरा फ्लोरल कॉन्सेप्ट में। दोनों तरफ एकदम ट्रेडिशनल बनारसी बॉर्डर मिल रहा है, उसके साथ ही साथ पल्लू में भी आप देख सकते हैं एकदम ट्रेडिशनल बनारसी पल्लू। क्लोजअप देखेंगे तो आपको पता चलेगा दिस इज द रिवर साइड, बहुत ही ठोस वीविंग है, एक्सेलेंट डिजाइंस ऑल ओवर देख रहे हैं। ये तसर साड़ी भी बिल्कुल वो मूगा जैसा ही, वो लाइट टेक्सचर लाइट वेट फीलिंग जैसा इसको आपने मिलेगा। एब्सोल्युटली वेरी नाइस डिजाइन ऑल ओवर देख लेंगे। दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल वर्क, वेरी ब्राइट फ्लोरल कलर, अपकमिंग फेस्टिव सीजन के लिए ये वाला साड़ी बहुत अच्छा है। एंड अगर आप लोग ऐसे फैब्रिक्स पसंद करते हैं तसर मूगा एक्सेट्रा, आप लोगों को ये सभी साड़ियों का जो हैंड फील है क्वालिटी बहुत अच्छा लगेगा। एंड दिस इज द ब्लाउज पीस जो ऐसे छोटे छोटे फ्लोरल बूटा के प्रिंट में जा रहा है विद दिस बॉर्डर फॉर योर स्लीव्स। यू कैन सी दिस ब्यूटीफुल फ्लोरल ब्लाउज पीस एंड दिस इज द बॉर्डर। दिस इज कलर ऑप्शन बी जो रस्ट कलर में जा रहा है, लाइट ब्रिक कलर भी कह सकते हैं या रस्ट कलर एकदम परफेक्ट है। सेम साइड वही लाइट वेट टेक्सचर एंड फ्लोरल डिजाइन, वेरी यूनिक शेड ऑफ यू नो रस्ट कलर। उसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं एकदम कलमकारी का डिजिटल प्रिंट, ये सब हैंड पेंटेड कलमकारी नहीं है, ये डिजिटल प्रिंट का है, इसीलिए प्राइस भी कम है। बिकॉज ये कलमकारी अगर ये बनारसी वीविंग बॉर्डर के साथ हैंड पेंटेड होता तो ये वाला साड़ी ऑलमोस्ट अराउंड 20,000 प्लस हो जाता। बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आपको ये सभी साड़ियाँ देखने को मिल रहा है ऑल ओवर देख लेंगे। 100% सिल्क मार्क सर्टिफाइड पीसेस है ये, उसके ऊपर आज के एपिसोड में आपको हेवी डिस्काउंट्स भी मिल रहा है। एंड दिस इज द ब्लाउज पीस, एक ट्रेडिशनल तसर बनारसी साड़ी देखते हैं जो अपकमिंग फेस्टिव सीजन खास करके वेडिंग्स में आप एज अ वेडिंग गेस्ट पहन सकते हैं एंड ब्राइडल शूजों में भी वेयर कर सकते हैं। तो कुछ ट्रेडिशनल तसर बनारसी दिखाने का भी टाइम है बिकॉज जो अपकमिंग फेस्टिव सीजन है वो ज्यादातर विंटर्स में ही रहता है। तो इस साड़ी में आपको दोनों तरफ नैरो बॉर्डर देखने को मिलेगा एंड इसमें आपको कोनिया डिजाइन भी देखने को मिलेगा। ये वाला साड़ी सबसे पहले स्टार्ट होता है ये ब्यूटीफुल क्रॉस शेप ब्लाउज पीस के साथ। यस, ये वाला साड़ी का ब्लाउज पीस आपको कतान में मिलेगा। ये वाला साड़ी का जो ब्लाउज पीस फैब्रिक है ये प्योर कतान में है, इसका बॉर्डर जो है वो भी कतान में है एंड पल्लू जो है वो भी कतान में है। बेस बॉडी का जो फैब्रिक है ये प्योर टसर के है। यहाँ पे देखिए कितना ठोस टसर का वीविंग है। ये वीविंग में अगर मैं थोड़ा सा हल्का डेंसिटी का टसर फैब्रिक यूज़ करता तो ये साड़ी और लाइट हल्का हो जाता एंड प्राइस भी कम हो जाता, बट उससे क्वालिटी कंप्रोमाइज होता। दिस इज़ द पल्लू एंड दिस इज़ द कोनिया डिज़ाइन, यू कैन सी द कलर कॉम्बिनेशन, वेरी वेरी ब्यूटीफुल ऑल ओवर देख लेंगे। साड़ी में यस, बॉर्डर ब्लाउज पीस एंड पल्लू आपको कतान में मिलेगा, प्योर कतान एंड बेस बॉडी आपका प्योर टसर में मिलेगा। द कलर कॉम्बिनेशन इज वेरी वेरी नाइस एंड ब्राइट कलर कॉम्बिनेशन, ये वेडिंग ट्रोजर में भी देने के लिए परफेक्ट है, एज अ वेडिंग गिफ्ट के लिए भी परफेक्ट है, आपके कोई इन्विटेशन या एनिवर्सरी के लिए भी ये साड़ी परफेक्ट है। फर्स्ट साड़ी भी आज के एपिसोड का हमने मूगा में ऐसा ही एक ट्रेडिशनल कलर कॉम्बिनेशन दिखाया था, फिर से आप लोगों को एक टसर में दिखाते हैं। सबसे पहले आपको इसका ब्लाउज पीस देखते हैं। यस, दिस इज द ब्लाउज पीस, यहाँ पर आप देखिए डबल जरी का वर्क है, क्लोज अप दिखाएंगे। द बॉर्डर, दिस इज द प्योर कतान ब्लाउज पीस, वेरी वेरी नाइस ऑल ओवर देखिए। परफेक्ट फॉर दुर्गा पूजा या एनी वेडिंग, या वेडिंग्स, दुर्गा पूजा में तो डेफिनेटली। ब्यूटीफुल हैंड वीविंग का पल्लू, यहाँ पर आप देखिए दिस इज द बॉर्डर, रिवर्स साइड दिखाएंगे, दिस इज द रिवर्स साइड ऑल ओवर दिखाएंगे। बूटा, एक बूटा में आपको पिंक कलर का मीनाकारी मिलेगा और एक बूटा में आपको रेड मिलेगा, तो पिंक एंड रेड का कॉम्बिनेशन, बट बॉर्डर जो है वो पूरा रेड में है। होपफुली आप लोगों को जो तसर का टेक्सचर होता है वो दिखाई दे रहा है इस साड़ी में, बिकॉज़ ये जो बेस कलर है वो अनडाइड, दिस इज एन अनडाइड नेचुरल टसर कलर, जो टसर थ्रेड का कलर होता है बिल्कुल नहीं है,
all we have done is we have given this red contrast with this sari, which looks amazing, which will never go out. Absolutely. चलिए नीले कड़े के ऊपर एक और साड़ी का डिजाइन दिखाते हैं. इस डिजाइन के मैं आपको तीन कलर ऑप्शंस दिखाने वाली हूँ. कलर ऑप्शन में क्या होगा, सिर्फ बेस कलर चेंज होगा. सभी साड़ियों में बॉर्डर पल्लू एंड ब्लाउज पीस आपको रेड नहीं मिलेगा, एंड आप लोगों को रेड के साथ ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन हम लोग दिखाने वाले हैं, जो अपकमिंग फेस्टिव सीजन में बहुत आपके काम आएगा. चाहे वो वेडिंग्स हो या नवरात्रि हो या दुर्गा पूजा हो या काली पूजा हो, कुछ भी. दिस इज द रेड कतान ब्लाउज पीस. यस, दिस इज द रेड कतान ब्लाउज पीस. इट इज ब्यूटीफुल बॉर्डर. दिस इज परफेक्ट वर्मिलियन रेड शेड in the blouse piece, and look at the beautiful border. एकदम traditional बनारसी border है, and उसके साथ ही साथ excellent green and red combination. Please do mention in the comment section below आप लोगों को कैसा लग रहा है. Close up दिखाएंगे. यहाँ पे देखिए बूटा के साथ मीनाकारी work again. रेड एंड पिंक का कॉम्बिनेशन. दिस इज द बॉर्डर. एंड ये सभी बॉर्डर्स में पहले भी जो साड़ियाँ दिखाए हैं, अभी भी जो दिखा रहे हैं, सब में डबल जरी का वर्क है. मतलब बहुत ही हैवी डेंसिटी का जरी वर्क है. ये सभी साड़ियाँ अगर सिंगल जरी में सेम डिज़ाइन डेवलप करते हैं तो 1,500-2,000 रुपये का फ़र्क आ जाता, बट बॉर्डर में ये रिचनेस नहीं आता जो अभी आपको देखने को मिल रहा है. दोनों ग्रीन में देखिए कितना अंतर है, एंड इस साड़ी का ग्रीन भी बहुत एलिगेंट है. ये वाला साड़ी का रेड कलर के ब्लाउज पीस के साथ स्टार्ट. यस, यू कैन सी दिस एक्सीलेंट वर्मिलियन रेड शेड. उसके साथ ही साथ डबल जरी का बॉर्डर एंड दिस इज द पल्लू. ये भी एक शेड ऑफ ग्रीन है, बट ये एकदम ही डिफरेंट ग्रीन है लास्ट ग्रीन से, बिकॉज लास्ट वाला ग्रीन एमरल्ड ग्रीन था. ये थोड़ा सा मॉस ग्रीन काइंड ऑफ है, एंड बहुत ही यूनिक शेड है. दोनों में से कौन सा ग्रीन ज़्यादा खिल रहा है रेड के साथ, वो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं. देखिए जो कलर हमें ज़्यादा पसंद है शायद आपको ना आए, तो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. तो इसीलिए आप लोग का फीडबैक बहुत ही ज़रूरी हो जाता है. प्लीज़ प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन को खाली मत छोड़िए, वो आपके टाइप करने के लिए ही दिया गया है. एंड तक आपको साड़ी में वर्क देखने को मिला. दिस इज कलर ऑप्शन सी, जो कि आप लोग देख सकते हैं परफेक्ट पर्पल कलर में. पर्पल के साथ रेड का कॉम्बिनेशन ट्रेडिशनल साड़ियों में बहुत अच्छा लगता है. यहाँ पर देखिए फर्स्ट लेयर सेकेंड लेयर, सो टू डिफरेंट लेयर्स. एंड उसके साथ ही साथ यहाँ पे देखिए डबल जरी का वर्क का एक अपर टॉप लेयर भी दिया गया है, एंड अगेन ब्लाउज पीस का वर्मिलियन रेड शेड. उसके साथ क्या खूबसूरत कलर है आप देखिए. दिस इज अ शेड ऑफ पर्पल, कम्प्लीटली डेवलप्ड इन अ फ्यूजन स्टूडियो. बेस बॉडी का कलर चेंज है, बट बॉर्डर एंड ब्लाउज पीस का कलर एकदम एग्जैक्ट सेम है. कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट में मेंशन करके बताइएगा. सच अ लवली शेड, एंड यू आर गेटिंग दिस एकदम ट्रेडमार्क टसा टेक्सचर इन द बेस फैब्रिक, बिकॉज दिस इज 100% प्योर टसा. एंड हैवी डेंसिटी में आपको टसर का वीविंग देखने को मिलेगा, बिकॉज हम कभी भी क्वालिटी में कंप्रोमाइज नहीं करते हैं. सेम साड़ी आपको देखने को मिलेगा, बॉर्डर भी सेम रहेगा. सिंगल जरी के मतलब डबल जरी के जगह आपको सिंगल जरी मिलेगा, एंड तसर का जो साना होता है वो कम दे देंगे. आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको कैमरे में लगेगा कि एग्जैक्ट सेम साड़ी ही है, बट उसमें एटलीस्ट 2,000-2,500 रुपये का डिफरेंस आ जाएगा. आज का एपिसोड प्योर टसर के ऊपर बहुत सारे वैरायटी के ऊपर था. मूंगा टसर दिखाया आप लोगों को, टसर बनारसी दिखाया, टसर के ऊपर कलमकारी दिखाया, बट नाउ इट्स टाइम टू सी अ वेरी स्पेशल फ्यूजन स्टूडियो टसर बनारसी साड़ी. इट्स देवांजलि शोस्टापर साड़ी. And fingers crossed, I really hope that you love this concept of टसर बनारसी.
comes in this beautiful lavender color and इस साड़ी को बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा ये बहुत यूनिक येट ट्रेडिशनल वेरी डिफरेंट लुकिंग पीस एंड इसका जो पसल है बहुत प्रीमियम क्वालिटी का है Yes, you can see this beautiful antique zari work. This is the pallu. यहाँ पे हल्का सा आपको silverish zari का इस्तेमाल देखने को मिलेगा antique zari के साथ because यहाँ पे देखिए look ही वैसा दिया गया है. इसका texture देखिए. इसका जो dyeing process है वो भी पूरा organic dyeing process हमने इस साड़ी में implement किए हैं. That is the reason why you are getting this excellent pastel shades. And यहाँ पर देखिए The magic lies here. बॉर्डर में देखिए हमने कितना प्रिसीशन से ये डाई किए हैं मतलब यहाँ पे पहले वीविंग किए हैं उसके बाद हर एक फ्लावर पेटल को डाई किए हैं मतलब ये वाला जो मीनाकारी है ये डाइंग में गया है ये मीनाकारी धागे से नहीं किया गया है ये मीनाकारी डाइंग से किया गया है एंड यहाँ पर देखिए दिस इज द एंटीक जरी डबल जरी बॉर्डर एक्सेलेंट पीस ब्यूटीफुल डिजाइन ऑल ओवर देख लेंगे ब्यूटीफुल ऐसे लैवेंडर के साथ ये आइवरी कलर का जो बॉर्डर जा रहा है कलर कॉम्बिनेशन गाइस आल्सो इट्स वेरी डिफरेंट यू गेट शेड्स ऑफ लैवेंडर एंड लाइट शेड ऑफ पीनट स्किन कलर ब्यूटीफुल दिस साड़ी इज समथिंग दैट यू कैन ओनली अप्रिशिएट इन कैन दिस टाइम एट द This is a collector's piece, you know, you can keep this sari as a collection in your wardrobe and you will, you know, actually cherish this sari for your lifetime because this sari is evergreen, you know, ये जो stripe concept है, drape करने के बाद इसका look और भी ज्यादा खिल उठेगा। जो lavender shade है, इस same lavender shade में हमने पूरे blouse piece ब्लाउज पीस देखिए एडिक्वेट एंड ब्लाउज पीस में भी हमने प्योर टसर फैब्रिक इस्तेमाल किए हैं ब्लाउज पीस का जो टसर फैब्रिक दिया है उसमें भी हमने सेम डेंसिटी इस्तेमाल किए हैं ब्लाउज पीस में भी हमने हल्का कपड़ा नहीं दिया है एंड दिस इज द बॉर्डर ब्यूटीफुल